हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूँ आप सबको मेरे चैनल द विस्फोटक में। तो आज का हमारा टॉपिक है हमारी झारखंड की सुरों की मल्लिका, सुरों की देवी, जिनके गले में साथ साथ सरस्वती विराजमान हैं, जिन्हें हम सब लता मंगेशकर कहते हैं झारखंड की। तो आप सब ज़रूर जानना चाहेंगे कि आखिर वो है कौन। ओके, बिल्कुल बताऊँगी। बट वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, एंड हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ओके, तो वीडियो स्टार्ट। तो हम बात कर रहे हैं हमारी सुरों की मल्लिका मोनिका मुंडू जी के बारे में। ये बंगाली फैमिली से बिलोंग करती हैं, बट ये मुंडारी फैमिली की बहू हैं क्योंकि इनका विवाह एक मुंडा परिवार में हुआ, तो इससे इनका नाम मोनिका मुंडू है। तो आप सब ज़रूर जानते होंगे मोनिका जी सिंगर प्लस डांसर प्लस एक्टर एंड प्लस टीचर भी हैं। उन्होंने बहुत सारी मूवीज़ में काम की हैं, उनकी हिट मूवीज़ रही हैं। MS धोनी में उन्होंने एक छोटा सा रोल निभाया था, प्लस अभी जो लेटेस्ट था फुलमनिया, जो नागपुरी फीचर फिल्म थी, उसमें भी इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। एंड मोनिका जी केवल झारखंड में ही रहीं, बल्कि दिल्ली, सिलीगुड़ी, असम, नेपाल, भोपाल, उत्तर प्रदेश, ये सब में भी अपना शुरू का राज चला चुकी हैं। बहुत लोग इन्हें जानते हैं, इनके आवाज़ को पसंद करते हैं। इनका स्वर केवल नागपुरी ही नहीं, नागपुरी के साथ बंगला, उरांव, मुंडा लैंग्वेज, खोरटा, संथाली, भोजपुरी, हिंदी एक्सेट्रा, इन्होंने कई कई सारे गाने किए हुए हैं। लगभग 5,000 से अधिक इनका गाना हो चुका है, उससे भी ज़्यादा होगा, बट मुझे 5,000 मालूम है, इससे अधिक है। एक्चुअली आप सब सोचते होंगे कि ये बंगाली फैमिली से है तो, बट नागपुरी में ये कैसे आई और क्यों आई। एक्चुअली नागपुरी के तरफ इनका रुझान एक मुरही वाले से हुआ। जी हाँ, एक मुरही वाले से। एक मुरही वाली इनके घर के पास से मुरही बेचती हुई नागपुरी गाना गाती हुई झूमती गाते जाती थी। इन्हें बहुत अच्छा लगता था, उनका आवाज़ इन्हें अट्रैक्ट करता था अपनी तरफ। तो इन्होंने भी सोचा कि मैं भी नागपुरी गाना गाऊंगी, इनके जैसा ही गाऊंगी। तो ये फर्स्ट टाइम सत्य भारती में आई नागपुरी गाना गाने के लिए। तो इनकी मुलाकात हुई ललित तिग्गा जी से। तो मोनिका जी को नागपुरी में आगे बढ़ाने वाले ललित तिग्गा जी ही हैं, और मोनिका जी इन्हें अपना धर्म पिता मानती हैं क्योंकि इन्हीं के सहयोग से ये नागपुरी में आगे बढ़ी हैं। जो कि आप सबको बताना चाहूँगी, ललित तिग्गा जी अब इस दुनिया में नहीं हैं। एंड मोनिका जी को स्वर का ज्ञान किनसे मिला, वो भी आपको बताती हूँ। मोनिका जी को स्वर का ज्ञान ज्ञान मिश्रा जी से मिला है। जी हाँ, ज्ञान मिश्रा जी से मोनिका जी को स्वर का ज्ञान मिला है। मोनिका जी का पसंदीदा गीत है, और उनका हस्बैंड का भी, पिया हो मोर नैना करनी दिया तो चुराई के, आप सब ज़रूर सुने होंगे, बहुत ही हिट गाना है। एक दूसरा गाना भी है, चूड़ी ना लागे मोर दिल है के, जो गाय रखबे मोर दिल के बेसे, ये भी बहुत हिट गाना है। ये भी आप सब नहीं सुने होंगे तो सुनिएगा, हमारे तो बहुत ज़्यादा पसंदीदा गाना ये एक्चुअली। और इनकी शादी 1994 में हुई थी, इनके 3 बच्चे हैं। आप सब ज़रूर सुने होंगे मोनिका जी प्लस पवन प्लस पंकज की हिट जोड़ी। जी हाँ, ये हिट थी, हिट है और हिट ही रहेगी, क्योंकि इन्होंने एक सुपर डुपर हिट गाने दिए हुए हैं झारखंड को। बहुत से हिट हिट सॉन्ग है, मैं एक क्या क्या बताऊं। इन्हें बहुत सारे अवार्डों से भी नवाजा गया है, बहुत सारे पुरस्कार, बहुत सारे अवार्ड मोनिका जी को मिले हैं। वो अपना काम बखूबी निभाती हैं, जिनका भी वो गाना लेती हैं सुपर डुपर हिट ही करती हैं। और मैं एक गाना सुनाऊंगी आप सबको जो मोनिका जी और पवन जी का है, सीसा जे टूटे निकले आवाज रे, दिल टूटे कोई जाने ना दैया रे, बहुत हिट गाना है, पवन जी के साथ पहला गाना। एंड पंकज जी के साथ आपको एक गाना सुनाती हूँ उनका,
धान खेते गेलो दैया टूट गेल काटा, ये भी गाना है। धान खेते गेलो दैया चुभ गेल काटा, ये गाना। तो और भी बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं ऐसे। मोनिका जी को झारखंड से बहुत प्यार है, तो उन्हें हरा भरा जंगल झाड़ बहुत पसंद है। तो उसी से रिलेटेड एक गाना जो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, वो पवन जी के साथ गाई हैं। हरियर दिसेला हमर झारखंड के गाँव, ये गाना सबसे ज़्यादा हिट गाना है, आप सबने सुना होगा। और इसी के साथ में मोनिका जी ऐसे ही अपने श्रोताओं को मनोरंजन करते रहे, यही कामना करती हूँ। एंड आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left.